राज्यपाल मनोज सिन्हा ते केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला होरें स्कॉच कश्मीर च दौं दिनें दा टैक्नोलॉजी नुमैश बी मेले दा कीता उद्घाटन। जम्मू दे सैलसफा निदेशालय आसां कई होर महकमे कन्ने रलिए महाशिवरात्रि मेला 2024 दा कीता जाग आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरें पाकिस्तान दे प्रधानमंत्री दे तौरा पर सगंध लैने लई शहबाज शरीफ होरें गी दित्ती मुबारकबाद। आयकर महकमे ने 2021-22 आले अनुमानी दे बरे दौरान आमदनी करें संबंधी रिटर्न दाखिल करने आले आसियां दित्ती गेदी जानकारी दे मेल नहीं खाने पर करदाता की जानकारी दे। नमस्कार, डोगरी खबरें च तुंदा स्वागत है ते हुन पेश न खबरां विस्तार कन्ने। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ते मच्छी पालन पशु पालन ते डेयरी महकमे दे केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला होरें कल स्कॉच कश्मीर च दौं दिनें दे टैक्नोलॉजी नुमैश ते बी मेले दा उद्घाटन कीता। इस मौके पर पुरुषोत्तम रूपाला होरें उपराज्यपाल हुंदी अगुवाई आली यूटी सरकार दी सराहना करदे होई आखिया जे उन्हें जम्मू कश्मीर च राई बाई दे एदे कन्ने जुड़े दे होरने खेतरें दे अलावा कृषि उप्पर आधारित नवाचार आले स्टार्टअप की बढ़ावा देईए। इत्थे राई बाई दे सरबंधी खेतरें गी पूरी चाली बदली दित्ता है। केंद्रीय मंत्री होरें जम्मू कश्मीर लई इक एक्वा पार्क की भी घोषणा की। उपराज्यपाल होरें अपने संबोधन च जम्मू कश्मीर च कृषि ते संबंधित खेतरें गी अग्गे बधाने आस्ते केंद्रीय मंत्री ते भारत सरकार आसिया दित्ते गेदे सहयोग दे समर्थन लई उंदा आभार जताया। स्कॉच जम्मू दे कृषि विज्ञान केंद्र सांबा आसिया कुदरती राई बाई 2024 बारे दौं दिनें दा सिखलाई कार्यक्रम शुरू कीता गया। जिला सांबा दे बक बक ग्राएं दे 40 शा मते करसाने बड़ी सरगर्मी कन्ने इस सिखलाई कार्यक्रम च हिस्सा लिया। इस मौके पर कुदरती तरीके कन्ने राई बाई उपर जोर भरिया गया तां जे मिट्टी दी नरोई सेहत बनाई रखने ते राई बाई गी होर मता फायदे आला बनाने गी यकीनी बनाया जाई सके। किसानें गी बी राने मिट्टी दा नरोएपन बधाने ते इस चाली दे और कई राई बाई दे कुदरती तौर तरीके बारे सिखलाई दित्ती गई। सारे जिले पदार्थ मिली है, तुसी क्लॉक वाइज घुमाना। हाइड्रोपोनिक मतलब कि पानी पानी च बूटे तैयार करो। अगर जमीन लाइव डेमोंस्ट्रेशन दे रहे हैं कैसे हमारे किसान बहने और कैसे हमारे किसान भाई ट्रेड हो सके ताकि वो अपने घर में जाकर जो है इसको अपनाएं इस विधि। जम्मू सैलसफा निदेशालय आसिया जम्मू कश्मीर कला संस्कृति ते भाषाएं संबंधी अकैडमी ते जम्मू सांबा ते रियासी जिला इंतजामिया कन्ने रलिए महाशिवरात्रि मेला 2024 दा सरिस्ता कीता जारदा है। इह समारोह 6 मार्च थमां 10 मार्च तोड़ी बक बक थारे लोआए जांगन। सैलसफा महकमे दियां संयुक्त निदेशक सुनैना शर्मा मेहता होरें इन्हें कार्यक्रमें ते समारोहें च हिस्सा लैने ते शिवरात्रि दा महापावन त्यौहार मनाने लई सबने गी साद्दा दित्ता है। और जो कार्यक्रम है अगर मैं आपको बताऊं तो पीरखो में ये जो महाशिवरात्रि मेला है ये 7 मार्च से 10 मार्च तक चलेगा, जिसमें कि दंगल भी रहेगा और एक प्रॉपर यहाँ बच्चों के लिए झूले हैं, सभी परिवार समेत जो है वो आए और यहाँ पर अच्छे से एंजॉय करें। उसके साथ साथ पंचवक्त्र मंदिर में महाशिवरात्रि का जो मेला है वो 6 मार्च से 8 मार्च तक रहेगा। उसी तरह परमंडल में 8 मार्च को महाशिवरात्रि का मेला रहेगा और रनसू में जो कि 7 मार्च से 9 मार्च तक जो महाशिवरात्रि का उत्सव है उसमें शिव विवाह और शिव बारात निकाली जाएगी शिव खोड़ी में। उदयपुर के डिप्टी कमिश्नर सलोनी राय होरें आने वाले शिवरात्रि के त्यौहार उपर किए जाने वाले प्रबंधों की एक मीटिंग च जायजा लेता। इस दौरान पीने वाले पानी, निर्विघन बिजली की सप्लाई, साफ सुथराई, सुरक्षा ते सेहत सुविधाएं के कन्ने अग सालने वाले दस्ते की तैनाती जिन्हें प्रबंधों उपर ब्यौरेवार चर्चा की गई। डीसी होरें मंदिरों के आले दुआले सफाई बनाई रखने के निर्देश भी दिए ते बिजली ते जल शक्ति महकमे गी अपनी अपनी सप्लाई यकीनी बनाने लई आख्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरें पाकिस्तान दे प्रधानमंत्री दे तौरा पर सगंध लैने आस्ते शहबाज शरीफ होरें गी मुबारकबाद दित्ती है। शहबाज शरीफ होर पाकिस्तान दे 24वें प्रधानमंत्री बने न। उनेंगी इस्लामाबाद च राष्ट्रपति आरिफ अलवी होरें सगंध चुकाई। आमदनी आले करें संबंधी महकमे ने घोषणा की है जो 2021-22 आले अनुमान आले बरें दौरान आमदनी करें संबंधी रिटर्न दाखिल करने आले जिन्हें करदाताएं दी आमदनी ते दित्ती गेदी जानकारी मेल नहीं खंदी उंदे कन्ने राबता कीता जा।
महकमे ने जानकारी दी है जे इस अवधि दौरान किस मामले च करदाता दी आमदनी ते रिटर्न च दित्ती गई जानकारी गी फर्क पाया गया है। उन्हें दस्या जे किस मामले च ITR भी दाखिल नहीं की दियां गईयां। महकमे ने आख्या जे 221 वाली ई वेरीफिकेशन स्कीम दे एक हिस्से दे तौर पर जेकर कुसा करदाता आसियां दित्ती गई जानकारी उपलब्ध जानकारी कन्ने मेल नहीं खंदी तां उन्हेंगी इस बारे च सूचना दित्ती जांदी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह होरें उनेंगी मिलन आए दे लद्दाख दे एक प्रतिनिधि मंडल गी भरोसा दुआया जे केंद्र यूटी लद्दाख गी संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने लई वचनबद्ध है। उन्हें आख्या जे लद्दाख उपर बनाई गई उच्च स्तरीय कमेटी संवैधानिक सुरक्षा देने लई औपचारिकताएं उपर विचार करती है। मंत्री होरें आख्या जे खिते दी टकोदी पंछान जमीन दे रोजगार दा संरक्षण पूरा प्राता विकास ते लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद की और मता सशक्त बनाने जने मुद्दे उपर उच्च स्तरीय कमेटी आसियां सुझाए गए दे सुझावें उपर लगातार विचार हुंदा रोग। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह होरें अंतरिक्ष खेत्र च निजी निवेश ते स्टार्टअप आस्ते सखाल लई अपनी किस्म दे पहले इन स्पेस तकनीकी केंद्र दा उद्घाटन किया। इस मौके पर इसरो दे चेयरमैन एस सोमनाथ होरें भी उन्दे कन्ने हे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह होरें इस मौके आख्या जे भारत दा निशाना कुल संसारी अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था च अपनी हिस्सेदारी की 5 गुना बधाना है। उन्हें आख्या जे मौजूदा समय च भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था $8 बिलियन की है पर 2024 बरे तोड़ी इसी कई गुना बधाने का साड़ा अपना लक्ष्य है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह होरें आख्या जे अंतरिक्ष के खेत्र च भारत ने जिहड़ी लंबी दलांग भरी है वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुंदे आसिया इस खेत्र की परदे थमां बाहर आने के दलेरी आले फैसले के कारण गै मुमकिन हो सकया है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम स्कीम कन्ने जम्मू च लोकें दे जीवन उपर मता सार्थक असर पवारदा है। खादी ग्राम उद्योग बोर्ड दे सचिव डॉक्टर जगदीश चंद्र मेहरा होरें इस गल्ला गी उजागर करदे होए आख्या जे 2020 बरे थमां जम्मू जिले च 1014 उत्पादक इकाइयां स्थापित कीतियां गईयां न जिहदे आसे 26 करोड़ रुपए की मार्जन मनी दित्ती गई है। उन्हें आख्या जे मती जरूरी गल ए है जे इन्हें इकाइयें कन्ने 8112 जने गी रोजगार थोआ है। तो जम्मू डिस्ट्रिक्ट में इसी दौरान 1014 हमने यूनिट लगाए हैं जिसके लिए 26 करोड़ के लगभग हमने मार्जिन मनी डिसबर्समेंट की है और जम्मू डिस्ट्रिक्ट में 8112 लोगों को एम्प्लॉयमेंट के साधन मिले हैं। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनावें आस्ते अपने मेदवारें गी चुनाव मैदान च तुआरी दिता है। जम्मू रियासी लोकसभा हल्के दी सीट उपर जुगल किशोर शर्मा और अपनी पकड़ और मजबूत करना चाहते हैं इसलिए उन्हें कार्यकर्ताएं कन्ने मिलना जुलना शुरू करी दिता है। अज उन्हें कटरा च अपना चुनाव दफ्तर खोलिया ते पूजा अर्चना की बाद च उन्हें कार्यकर्ताएं कन्ने चुनावों उपर चर्चा भी की। देखिए विशेष तौर पर मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गृह मंत्री अमित शाह जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जगत प्रकाश नड्डा जी उनकी जो टीम है और हमारा जो प्रदेश का नेतृत्व है उनका आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने पुनः एक बार मुझे लोगों की सेवा करने का मौका जो है जो प्रदान किया है। पार्लियामेंट की इलेक्शन को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने एक क्रम बनाया है कि इस बार हर विधानसभा का इलेक्शन ऑफिस होगा। तो आज कटरा में हमारी विधानसभा जो है इसका शुभारंभ हुआ है कार्यालय का। राज्यसभा सांसद गुलाम अली खटाना और जिला रामबन का दौरा लाया ते उत्थे आज कार्यकर्ताएं कन्ने बैठक लाई। उन्हें जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय जरनैली सिड़का का मुआयना भी किया ते अधिकारियों की हिदायतां जारी कीतियां जे जरनैली सिड़का थमां मलबे गी हटाया जा तां जे गड्डियों की आवाजाई और सुचारू तरीके कन्ने हुई सके। आल दिए मूसलाधार बरखें के मगरां होए दे नुकसान की मरम्मत करिए जम्मू श्रीनगर जरनैली सिड़का की गड्डियां आस्ते तौले बहाल करने लई उन्हें DC रामबन की प्रशंसा भी की। गुलाम अली खटाना जी की सदारत में हुए यहाँ पे शबीर पिछली सरकारों ने मेरे गरीब को डेली वेजर के नाम पे गुमराह किया। मैं यहाँ के जो हमारे लीडर हैं सलीम भट्ट और इनके साथ ही खांडे जी और बाकी जो लोग हैं मैं इनको मुबारकबाद दूंगा कि वो आए बड़ी तादाद में रैली में और अपने लोकप्रिय दुनिया के लोकप्रिय और दुनिया की बड़ी शख्सियत नरेंद्र मोदी जी को सुने और शामिल हूँ। हम 5 की 5 सीटें जम्मू कश्मीर की जीतेंगे।
ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੁਣਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਠੂਆ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਸਿਆਂ ਯੁਵਾ ਨਮੇ ਤੇ ਹੋਰਨੇ ਸਭ ਨੇ ਮਤਦਾਤਾਏ ਗੀ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੋਰ ਮਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਠੂਆ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਮਿਨਹਾਸ ਹੋਰੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਸਮਾਚਾਰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਚੁਣਾਵ ਆਯੋਗ ਦੀ ਇਤਾਇਤ ਮੁਜਬ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਰੇ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਚ ਸਵੀਪ ਤਹਿਤ ਜਨ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੇ 18 ਬਰੇ ਦੀ ਬਰੇਸੂ ਦੇ 8,340 ਨਵੇਂ ਮਤਦਾਤਾਏ ਗੀ ਮਤਦਾਤਾ ਸੂਚੀ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4,785 ਹੈ। ਹਮਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਰਹੇਗੀ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਜੋ ਹਮਾਰਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਕੀ ਉਮਰ ਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਵੋਟਰ ਰਹਿਣੇ ਸੇ ਵੰਚਿਤ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਹਮਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਪੇ ਹਰ ਕਾਲਜ ਮੇ ਹਰ ਸਕੂਲ ਮੇ ਹਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਮੇ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਹੈ ਵਹਾਂ ਪੇ ਹਮਾਰੀ ਵੋਟਰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵਾਲੀ ਗਾੜੀਆਂ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੀ ਡੇਟ ਮੇ ਜੋ ਹਮਨੇ ਇੱਕ ਸਵੀਪ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕੈਂਪੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਆ ਥਾ ਜਹਾਂ ਪੇ ਹਮਨੇ EVM ਹਰ ਵੋਟਰ ਜੋ ਵੀ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਵਹਾਂ ਭੇਜਨੇ ਥੇ 701 ਮੇ ਸੇ 650 ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆਲਰੇਡੀ ਕਵਰ ਹਮਨੇ ਉਸਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਔਰ ਇਸਮੇ ਸਭਸੇ ਖੁਸ਼ੀ ਕੀ ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸਮੇ ਹਮਾਰਾ ਯੰਗ ਜੋ ਬੱਚੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਉਨਕਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪਾਰਟੀਸਿਪੇਸ਼ਨ ਇਸਮੇ ਰਹਾ। ਇੱਕ ਹਮਨੇ ਨਈ ਸਕੀਮ ਯਹਾਂ ਪੇ ਕੈਂਪਸ ਅੰਬੈਸਡਰ ਲਗਾਨੇ ਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ ਹੈ ਜਿਸਮੇ ਕਿ ਜੋ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਕੇ ਜੋ ਯੰਗ ਛਾਤਰਾ ਹੈ ਜੋ ਅਭੀ 18 ਸਾਲ ਕੇ ਹੋਏ ਹੈ ਉਹ ਵੋਟਰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕੇ ਲਿਏ ਉਨਕੋ ਹਮ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰ ਅੰਬੈਸਡਰ ਲਗਾਏਂਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸੰਸਥਾਨ ਦੇ ਜੰਮੂ ਸੈਂਟਰ ਆਸਿਆਂ ਮਾਈਟ ਜੰਮੂ ਕੰਨੇ ਰਲੀਏ ਕੁੱਲ ਸੰਸਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦਿਹਾੜਾ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮਨਾਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਮਹਿਕਮੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉਪ ਮਹਾਨਿਦੇਸ਼ਕ ਅਰੁਣ ਅਗਰਵਾਲ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਕਿ IEI ਜੰਮੂ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭਾਵਨਾ ਸ਼ਰਮਾ ਹੋਰੇ ਇਸ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭਾਵਨਾ ਸ਼ਰਮਾ ਹੋਰੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਚ ਹਾਸਲ ਤਰੱਕੀ ਸਣੇ ਬੜੀ ਤੋਲੇ OR ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਨੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਪਰਿਆਵਰਨ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਵਾਚਾਰ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੱਲ ਤੁਪਨੇ ਚ ਮਦਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਆਸਿਆਂ ਜੰਮੂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਦਿਆਲੇ ਦੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਉੱਪਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੰਦੇਸ਼ ਖਲੀ ਚ ਗੋਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਪੀੜਿਤਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਰੀ UT ਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਰੇ ਖਰੀ ਮਤੀ ਗਿਣਤਰੀ ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੇ ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ABVP ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਚਿਵ ਆਕਾਸ਼ੀ ਬਲੋਰੀਆ ਹੋਰੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੇ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉੱਥੇ ਮਹਿਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਜਰਨੈਲੀ ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰ ਰਾਮਬਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਬੈਟਰੀ ਚਸ਼ਮਾ ਥਾਰਾ ਕੋਲ ਜੰਦੀ ਰਾਤੀ ਹੋਈ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਰ ਦੁਰਘਟਨਾ 'ਚ 2 ਜਣੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਗਈ। ਕਾਰ ਸ਼ਿੜਕਾ ਥਮਾਂ ਰੁਲ ਕੇ ਇਹ 150 ਮੀਟਰ ਡੂੰਘੀ ਖੱਡੇ 'ਚ ਜਾਈ ਪਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ। ਜ਼ਖਮੀ ਗਏ ਰਾਮਬਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਜਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮ੍ਰਿਤ ਆਉਂਦੇ ਦਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਰ ਅਸ਼ਟਮੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉੱਪਰ ਭਗਵਾਨ ਗੋਪੀਨਾਥ ਆਸ਼ਰਮ ਉਦੇਵਾਲਾ ਬੋੜੀ ਜੰਮੂ 'ਚ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਭਰ ਜਾਗਰਣ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਏ ਇਸ ਜਾਗਰਣ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਤਾ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਆਸਿਆਂ ਭਗਤੀ ਸੰਗੀਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਭਗਤੀ ਭਰੋਚਾ ਹੋਈ ਗਿਆ। शिवरात्रि जो है ये इसको हेयर थंब बोलते हैं। ये 15 दिन का कार्यक्रम होता है। 13वें दिन इसका हेरथ का प्रोग्राम होता है। हेरथ की पूजा होती है। कश्मीर के सारे मंदिर जितने गाँव में बाकी जगह जहाँ जहाँ स्थापन होते वहाँ वहाँ आज रात ये मंडलियाँ चलती थी। ट्रेडिशन कंटिन्यू करने के लिए हमने यहाँ भी चालू किया राइट फ्रॉम द 32 साल हो गए 90 से जब से आ गए यहाँ पर। हम श्रीनगर में थे तब भी ये मनाते थे, हर जगह मनाते थे, आज भी आजकल भी मनाते हैं। ਆਵਾਸੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਆਯੁਕਤ ਸਚਿਵ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਹੋਰੇ ਕੋਟ ਭਲਵਾਲ 'ਚ ਜੰਮੂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਖਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਥਾਰਾ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਲੈਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੁਵਿਧਾ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਕੰਮੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਮੱਠੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਉੱਪਰ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣੇ ਪਰ ਜ਼ੋਰ ਭਰਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਬੇਲੇ ਸਿਰ ਇਸੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮਗਰਾਂ ਆਯੁਕਤ ਸਚਿਵ ਹੋਰੇ ਕੋਟ ਭਲਵਾਲ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਵੀ ਦੌਰਾ ਲਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੂੜੇ ਦੀ ਖਪਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ। ਇਹਦੇ ਕੰਨੇ ਗਏ ਖਬਰੇ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਨਮਸਕਾਰ।